मुख्यमंत्री ने राजगीर के पहाड़ी क्षेत्र में अगलगी की घटना का किया हवाई सर्वेक्षण। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज राजगीर के पहाड़ी क्षेत्र में हुई अगलगी की घटना का हवाई सर्वेक्षण किया। हवाई सर्वेक्षण के उपरांत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में वैभवगिरी पर्वत के कुछ हिस्सों में हुए पिछले दिनों हुई अगलगी की घटना को लेकर समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से वैभवगिरी पर्वत के अलग अलग हिस्सों में अगलगी की घटनाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। अपने प्रस्तुतिकरण में जिलाधिकारी ने वर्तमान वर्ष में राजगीर के वन क्षेत्र में अगलगी की घटनाओं एवं उसे बुझाने के लिए की गई कार्रवाई, वन क्षेत्रों में निगरानी, पर्वतीय एवं वन क्षेत्र को सुरक्षित रखने हेतु की गई तैयारी, हाई डेट की व्यवस्था, चिन्हित किए गए महत्वपूर्ण स्थल लगाए जाने का प्रस्ताव, चिन्हित किए गए संवेदनशील 22 गांव में जन समूह का प्रशिक्षण प्रकट हेतु मार्गदर्शिका, कंट्रोल रूम, ड्रोन के माध्यम से निगरानी के संबंध विस्तार पूर्वक जानकारी दी। बैठक में सेवाएं की डीजी शोभावतकर एवं नालंदा के जिला वन पदाधिकारी विकास अहलावत ने वैभवगिरी पर्वत पर अलग अलग हिस्सों में हुई अगलगी की घटनाओं एवं की गई कार्रवाई के संबंध में जानकारी दी है। बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अगलगी की घटना काफ़ी दुखद है, हम इसे देखे हैं, बचपन से हम यहाँ आते रहे हैं। वर्ष 2009 में हम यहाँ 7 दिनों तक रहकर एक एक चीज़ को जाकर देखा था और उसके बाद हर जरूरी काम करने का तय किया ताकि यहाँ के पर्वतीय क्षेत्र को हरा भरा बनाया जा सके। इसके लिए यहाँ के पर्वतों पर हेलीकॉप्टर से बीज का छिड़काव कराया गया। पहले ऊपर से एकदम सूखा दिखता था, एक तरफ ठीक था लेकिन दूसरी तरफ पर्वत बिल्कुल सूखा दिखाई पड़ता था। इस प्रकार अगलगी की घटना यहाँ पहले कभी नहीं सुनी थी। आग लगने की जानकारी मिलने पर मुझे काफ़ी तकलीफ हुई है। राजगीर देश की नई दुनिया का पौराणिक स्थल है, विकास के अनेक कार्य कराए गए हैं। इस प्रकार की घटना से हम सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। यहाँ कहा कि यहाँ के पर्वत आयुर्वेदिक दवाइयों एवं जड़ी बूटियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। अपने पिताजी के साथ बचपन से यहाँ हम जड़ी बूटियों के लिए आया करते थे। पर्यटन को बढ़ावा देने एवं पर्यटकों को सुविधा मुहैया कराने के लिए यहाँ कई काम किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्या कारण है इसकी वास्तविकता का पता लगाया जाए। यहाँ के पर्वत के ऊपर विभिन्न धर्मों का मंदिर है और कई तरह के लोग भी रहते हैं। ऊपर वाले पर विशेष नज़र रखें, कार्रवाई सुनिश्चित करें, इस प्रकार की घटना घटित ना हो सके इसकी विशेष रूप से निगरानी रखें।